हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड आज का हमारा टॉपिक है फेडरलिज्म इन in इंडिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को दिस इज प्रिया एंड योर वाचिंग लीगल फ्लाई सबसे पहले समझेंगे कि आखिर फेडरलिज्म क्या है देखिए फेडरलिज्म एक फिलॉसफी है जो कि बात करता है गवर्नमेंटल मैकेनिज्म की या गवर्नमेंटल प्रोसेस की जिसके थ्रू कंट्री को गवर्न किया जाता है अब ये जो फेडरलिज्म है बेसिकली फॉर्म ऑफ या एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर पावर्स जो है डिवाइडेड है बिटवीन द सेंटर एंड द रीजनल अथॉरिटी मतलब दो लेवल्स में पावर्स जो है डिवाइडेड है बिटवीन द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास अपने अपने पावर्स है एंड दोनों ही अपने स्पीयर में इंडिपेंडेंट भी है तो मतलब ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर एक टेरिटरी या एक कंट्री जो गवर्न की जाती है बाई टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अब देखिए ये क्वेश्चन उठता है कि यहां पर सेंटर है स्टेट है पावर्स डिवाइडेड है क्या इसका ऑपोजिट फॉर्म ऑफ कोई गवर्नमेंट भी हो सकता है यस yes है उसको कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नाउ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर पावर्स जो है सारे चले जाते हैं नेशनल गवर्नमेंट के पास एंड अगर वहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो अपने पावर्स को डिराइव करते हैं अपने अथॉरिटीज को डिराइव करते हैं फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट तो इस तरीके से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है तो मैंने कहा कि फेडरलिज्म एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मतलब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है राइट जहां पर बटी हुए पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ये हो क्या रहा है कोई एग्रीमेंट है क्या क्या सोचा था कि ऐसे कोई अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे सेंटर के पास इतने पावर्स स्टेट के पास इतने पावर्स तो ये बातें हमें ले जाती है एक टर्म की और वो है फेडरेशन अब फेडरेशन जो टर्म है वो लैटिन टर्म से डिराइव्ड है दैट इज पॉइडस इसका मतलब है ट्रीटी और एग्रीमेंट तो so, फेडरेशन का मतलब हुआ कि ऐसा एक पॉलिटिकल सिस्टम जो कि बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स अब स्टेट को स्टेट भी कहा जाता है कुछ कंट्रीज में या फिर यूनिट्स भी कहा जाता है या फिर प्रोविंस भी कहा जाता है स्टेट जैसे यूनाइटेड स्टेट्स या इंडिया में स्टेट्स कहा जाता है प्रोविंस जैसे कैनेडा में कहा जाता है तो ये हुआ फेडरेशन का मतलब अब ये जो फेडरेशन है बेसिकली दो बेस में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है मतलब बाई वे ऑफ इंटीग्रेशन बाई वे ऑफ डिस अब इंटीग्रेशन क्या होता है स्मॉल स्मॉल स्टेट इंडिपेंडेंट होते हैं वो सारे एक 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 साथ मिलके अपने आप को को बना लेते हैं। और एक big union form कर लेते हैं 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 और कर तो तो इस model of federation को basically हम coming together federation भी कहते हैं। तो इनका purpose जैसे हो सकता है कि इनको एक strong चाहिए या दूसरे कंट्री से ये अपने पूरे टेरिटरी uh, को बचाना चाहते हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं तो इसलिए एक सारे एक साथ मिल जाते हैं नोबाइवेटी का मतलब होता है जब एक

इंडिया या कनाडा तो चलिए अब समझते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म देखिए जो भी कंट्री फेडरलिज्म को फॉलो करती है या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखती है या उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर इसको एम्बॉडी किया गया है या फेडरल फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसके में कुछ पेक्यूलर फीचर्स होते हैं तो उन फीचर्स को देख लेते हैं पहला है डिविजन ऑफ पावर्स मतलब जहां पर भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फेडरलिज्म फॉलो किया जाता है वहां पर पावर्स जो है डिवाइडेड होती है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स राइट एंड ये जो भी पावर्स डिवाइडेड है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ मैटर्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं और मैटर्स जो लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं तो नेशनल इंपॉर्टेंस वाले मैटर्स सेंटर की ओर जाते हैं एंड लोकल इंपॉर्टेंस वाले मैटर्स जो है स्टेट संभालते हैं जैसे फॉर एक्साम्पल डिफेंस हो गया या वॉर हो गया या अफेयर्स हो गए ये सारे सेंटर संभालेंगे तो स्टेट जो है हेल्थ या एग्रीकल्चर को संभालेगी सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री की कि किस तरीके से वो मैटर्स को नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देते हैं या तो किस चीज को वो लोकल इंपॉर्टेंस मानते हैं तो ये बात हुई डिविजन ऑफ पावर्स की दूसरा

इस सुप्रमसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंस को अगर हमें मेंटेन रखना है बरकरार रखना है तो हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग वो राइटिंग में होना चाहिए अगर वो राइटिंग में है तभी तो ये जो सेटअप है ना ये सेंट्रल और स्टेट ये डिविजन ऑफ पावर्स का वो मेंटेन रह पाएगा अदरवाइज क्या होगा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं या कंफ्यूजन हो सकते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा रहना भी जरूरी होता है एंड इट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरलिज्म फोर्थ पॉइंट है रिजिडिटी

कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड होता है वहाँ पर उसको इजिली एमेंड नहीं किया जा सकता मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेट को एक्सक्लूसिवली पावर नहीं दिया जाता है ऐसा नहीं है, वो, जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है या कह लीजिए ज्यादा इसका मतलब कोर्ट होंगे उनके पास पावर होंगे कि वो बेसिकली प्रिवेंट करें सेंटर या स्टेट को आपस में दूसरे की बाउंड्री

तो साथ ही साथ ये भी समझ लेते हैं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ़ गवर्नमेंट के क्या-क्या फीचर्स होते हैं। पहला जैसे फेडरल में डिवीज़न ऑफ पावर्स है यहां पर यूनिटरी में डिवीज़न नहीं होता है बल्कि सारे पावर्स जो है नेशनल गवर्नमेंट के पास होते हैं एंड अगर स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो अपने सारे पावर्स जो है नेशनल गवर्नमेंट से डिराइव करता है ठीक है 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 पहला दूसरी बात ये है कि फेडरल के अंदर होता कॉन्स्टिट्यूशन का बट यूनिटरी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम हो सकता है जैसे जापान में या सुप्रीम नहीं भी हो सकता जैसे ब्रिटेन में नेक्स्ट फीचर है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटर्न भी हो सकता है जैसे फ्रांस में अनरिटन भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन में अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है जैसे फ्रांस में एंड नहीं भी हो सकता मतलब फ्लेक्सिबल फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन में अब जुडिशियरी जो है इंडिपेंडेंट हो सकती है या नहीं भी हो सकती है एंड साथ ही साथ जो लेजिस्लेचर होता है बेसिकली यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर उसके अंदर यूनिक कैमरल होता है मतलब एक ही हाउस होता है बल्कि फेडरल के अंदर बाई कैमरल होता है मतलब वहां पर दो हाउसेस होते हैं लेजिस्लेचर के

आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 तक डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट तो आप समझिए वहां पर डिवीजन है एंड साथ साथ ही शेड्यूल भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात करता तीन टाइप ऑफ लिस्ट की लिस्ट वन जिसको कहा जाता है यूनियन लिस्ट जिसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है सेंटर लिस्ट टू जिसको कहा जाता है स्टेट लिस्ट जिसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है उसमें ऐसे मैटर्स होते हैं एंड लिस्ट जिसको कंकरन लिस्ट कहा जाता है जिसके अंदर ये दोनों ही पार्लियामेंट एज स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है राइट right? अब ये देख रहे हो लिस्ट वन एंड लिस्ट टू में पावर्स जो है डिवाइडेड है मैटर्स जो है डिवाइडेड है तो हमने ये तो समझ लिया कि पावर्स डिवाइडेड है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट

ओवर नहीं कर सकते हैं और नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है मतलब उसको एकदम से उसको एमेंड करना ना इतना सिंपल टास्क नहीं है क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 360 जो बात करता है अमेंडमेंट के बारे में तीन टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स भी है एक सिंपल मेजोरिटी के साथ स्पेशल मेजोरिटी के साथ या स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट तो पहले में जैसे आर्टिकल फोर आर्टिकल 169, या आर्टिकल टू थर्टी मेजोरिटी में अमेंड हो जाते हैं कुछ आर्टिकल्स है जो कि स्पेशल है मतलब उसको अमेंड करना है ना तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए मतलब उसके अंदर टोटल मेजोरिटी भी होनी चाहिए प्लस टू बाई थर्ड ऑफ द मेंबर्स एंड वोटिंग भी होनी चाहिए उसके साथ साथ वो बिल जो है इट शुड बी रेटिफाइड बाई नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट तो ऐसे कुछ प्रोविजंस है जैसे कि सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या जैसे पार्ट इलेवन चैप्टर वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट या इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब आप समझ समझिए तो जो हमने डिविजन के बारे में समझा वो डिविजन से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है उसको अगर एमेंड करना है उसका प्रोसेस रिजिड है द नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट हमारे पास भी एक फाइनल अथॉरिटी एक कोर्ट है जो बेसिकली सेंटर एंड स्टेट के बीच का जो डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करती है या स्टेट और स्टेट के बीच का जो डिस्प्यूट होता है उसको उसके साथ भी डील करती है और साथ ही साथ हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशनल का, और उसकी ड्यूटी बनती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करे तो इतना देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि फेडरल फीचर्स भरपूर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देते हैं बात तो सही है बट पिक्चर अभी बाकी है क्यों क्योंकि कुछ ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटीज ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन सिस्टम के बारे में कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन दी है कि आप भी सोचने में लग जाएंगे कि आखिर हम पूरी तरीके से फेडरल है या नहीं जैसे के जी ने ये कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाज़ी फेडरल है

तो अब ये सब सुनने के बाद हमें ये लग रहा है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स भी एग्जिस्ट करते हैं क्या हम पार्शली फेडरल है तो चलिए उन चीजों को भी देख लेते हैं तो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब हमारा जो सेंटर है ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो थोड़ा स्ट्रोंग है ठीक है जैसे वो आईवर जेनिंग्स कह रहे थे तो उसी हिसाब से कौन कौन से आर्टिकल्स है उसको जो प्रूव करते वो भी देख लेते हैं आर्टिकल आर्टिकल ये कहता है कि जब भी काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास करती है एंड पार्लियामेंट को कहती है कि देखिए ये मैटर जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है आपको इसके ऊपर लॉ बनाना चाहिए इवन दो ये जो मैटर है स्टेट लिस्ट मतलब लिस्ट टू के अंदर आता है जिसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉ बना सकती है बट आप बनाइए तो देखिए स्ट्रॉन्ग सेंटर हो गया ना वहां पर किसके पास पावर आ गई पार्लियामेंट के

पर यूनियन का पावर जो है वो प्रिवेल या यूनियन का जो लॉ है वो प्रिवेल करता है या यूनियन लेजिस्लेचर के पास बेसिकली पावर होता है लॉ बनाने का अब आपके लिए एक होमवर्क आर्टिकल 246 को रीड कीजिए एंड बताइए कि उसमें क्या पेक्यूलैरिटीज है जो वर्ड्स है ना उसको ध्यान से रीड करना क्लास वन में क्लास टू में और क्लास थ्री में

भी कोई बिल आता है ना कि वो अप्रूव करके भेज दे देचर के पास स्टेट लेजिस्टर के पास तब यहां पर वो गवर्नर उस बिल को रिजर्व कर सकता है फॉर द देशन ऑफ द प्रेसिडेंट अगेन यूनिटरी फीचर फिर हमारे पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है हर अलग अलग स्टेट के पास सिंगल सिटीजनशिप भी है हमारे पास यूएस की तरह जैसे नेशनल सिटीजनशिप हो गया या स्टेट सिटीजनशिप भी है ऐसा नहीं है ड्वेल्थ सिटीजनशिप नहीं सिंगल सिटीजनशिप है साथ ही साथ हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशरी है मतलब एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है मतलब जो कोर्ट है

उसके साथ हमारा जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है तो नीदर यूनिटरी नॉर फेडरल अलोंग विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर तो इन सभी चीजों को देखने के बाद हमें एक बात तो क्लियर हो गई तो हम ना ही पूरी तरीके से यूनिटरी फीचर्स रखते हैं ना ही फेडरल है पूरी तरीके से हम एक कॉम्बिनेशन है इन दोनों का विथ स्ट्रांग सेंटर अब ऐसा हमने क्यों करा देखिए हमने इंप्लीमेंट इसलिए नहीं करा क्योंकि हमारी कंट्री बहुत नहीं है सबके नीड जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं, तो uh, नहीं, नहीं कर पाएगी प्रॉपरली तो इसलिए हमने क्या सोचा कि ठीक है स्टेट को ऑटोनॉमी दे दी जाए और डिविजन रख दिया जाए ताकि स्टेट जो है अपने अपने जगह को आराम से संभाल लेगा एंड जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं उनको एक ही स्टेट

हमारा जो कंट्री है वो बेसिकली स्टेट्स के बीच का एक एग्रीमेंट के बेसिस में नहीं बना है एंड दूसरी बात ये है कि किसी भी स्टेट के पास राइट right नहीं है या पावर नहीं है करने की मतलब अपने आप को ब्रेक करने की और अलग बना लेने की ऐसी पावर नहीं दी गई है तो इसलिए हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स को वहां रखा है एंड साथ ही साथ हमारा जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है एंड साथ ही साथ अगर हम देखें एस आर बुम्बाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया नाइनटीन के केस में इस केस में यह कहा गया था कि फेडरलिज्म जो है हमारा बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कोर्ट ने ये समझाया था कि हाँ हमारा जो सेंटर है उसके पास ज्यादा पावर्स है वो स्ट्रॉन्ग है बट एट दूसरा भी इंडिपेंडेंट है अपने मैटर्स को संभालने की उनके ऊपर लॉज बनाने की अपने स्टेट को पूरी तरीके से पावर है एंड साथ में कोर्ट ने यह समझाया कि हाँ कभी कबार क्या होता है कि थोड़े जो डिविजन है ना वो थोड़ा सा अलग हो जाता है

एंड कोर्ट ने यह समझाया कि जो हमारे इंडिया में जो फेडरलिज्म है ना वो हमारे ओन पेटुलर नीड्स या हमारे ग्राउंड रियलिटीज को समझते हुए हमने बनाया है तो हम पूरी तरीके से यूनिटरी नहीं है हम पूरी तरीके से फेडरल नहीं है हम एक कॉम्बिनेशन है एलोंग विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर तो ये हुआ खत्म आज का हमारा टॉपिक आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय Bye-bye!